और तुम्हें पुरुष के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होती हैं। ये शक्ति अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि अनेकों महान ग्रंथों के रचयिता आचार्य चाणक्य की नीति और ज्ञान से आज पूरा विश्व जगमगा रहा है। आचार्य चाणक्य की नीतियों पर चलने वाला पुरुष अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महान विद्वान कौटिल्य ने अपने नीति ग्रंथ में औरतों के बारे में ऐसा कुछ लिखा है जिसके बारे में आप अभी तक अपरिचित होंगे। चाणक्य की नीतियों ने भारत के इतिहास को बदलने में अहम भूमिका निभाई है और उनकी बातें आज भी उतना ही मायने रखती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं में कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसका संसार का कोई पुरुष मुकाबला नहीं कर सकता। चाणक्य नीति में औरतों की भूख, लज्जा और सहनशीलता के अलावा काम भावना के संबंध में भी बहुत कुछ बताया है। औरत और पुरुष की भूख की तुलना करें तो औरतों में पुरुषों की अपेक्षा खाने पीने अर्थात भूख की क्षमता दोगुनी होती है। यही नहीं, विद्वान चाणक्य ने यह भी बताया है कि श्रम अर्थात लज्जा औरतों में पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा होती है। चाणक्य नीति में इस बात का भी साफ साफ वर्णन है कि सहनशीलता के मामले में भी पुरुष औरतों के सामने कहीं नहीं टिकते। औरतें किसी पुरुष की तुलने में 6 गुना ज्यादा सहनशील होती हैं। अब बात करें काम शक्ति की तो औरतों में पुरुषों की तुलना में यह शक्ति भी 8 गुना ज्यादा होती है। पर तुलना और सहन शक्ति की अधिकता के कारण औरतें अपनी इस इच्छा को कभी खुलकर नहीं कह पाती हैं और न इसको सबके सामने रखती हैं। औरतों को किसी भी मामले में पुरुषों से कम आंकना न केवल गलत है बल्कि ये तर्क संगत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य चाणक्य ने आज से सालों पहले चाणक्य नीति में जो कुछ भी लिखा है वे गलत नहीं है बल्कि कई मौकों पर सही साबित हो चुका है।